नमस्कार डॉक्टर साहब, आज अपने दर्शकों को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर मदन गुलाटी, जिनको आयुर्वेद का करीब 40 साल का एक्सपीरियंस है और ये एज अ डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं आयुष डिपार्टमेंट से, और इतना अच्छा इनका एक्सपीरियंस है और हम इनसे जानना चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आजकल बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, इतनी सारी बीमारियां अब नई से नई हर रोज सुनते हैं, तो इन सब बीमारियों का क्या कारण है, किस वजह से इतनी सारी बीमारियां आजकल सुनने में आ रही हैं? डॉक्टर ऐसे है जो आयुर्वेद कहता है कि रोग क्या है। रोग जो है विषमता ऑफ दी टाई एनर्जीज। हमारी बॉडी में जैसे सपोज एक साइकिल का टायर है या कार का टायर है, उसमें हवा जो है ज्यादा हो गई, अगर रेंज होता है ना उसका, हाँ तो जी, अगर रेंज से कोई चीज ज्यादा चली जाती है तो भी खराब है। अगर रेंज से कम हो जाती है, जैसे हम स्टैंडर्ड रखते हैं कि इसकी 25 से 30 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है ना, इसी तरह से हमारी बॉडी में जो है कोई रेंज है। हमारे बॉडी में हमारे जैसे वात पित्त कफ 3 एनर्जीज है। जब उसका इम्बैलेंस हो जाता है ना, जब रेंज से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो वो रूट कॉज है बीमारियों का। बीमारियों का रूट कॉज क्या है, हमारी बॉडी में जो 3 एनर्जीज हैं, वात पित्त कफ जिसे हम कहते हैं, उसका इम्बैलेंस हो जाना, ठीक है। आजकल बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट हाँ ब्लॉकेज, लिवर लिवर, फेलियर, किडनी फेलियर और हाँ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, बिल्कुल ठीक हाँ है, इतनी सारी बीमारियाँ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इनका क्या आयुर्वेद में कैसे इलाज किया जाता है या क्या हाँ। पॉसिबल है नहीं, इनका मैं ये ट्रीटमेंट? समझता हूँ कि जैसे डायबिटीज मेलाइटिस की आपने बात की, डायबिटीज मेलाइटिस का जो आज इतना ज्यादा हुआ बना हुआ है कि इतनी डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट बनते जा रहे हैं, मैं इसमें एक बहुत बड़ी कॉन्स्पेरेसी समझता हूँ कि जो उसके जो बेसिकली डायग्नोसिस जो है ना अपनी डायबिटीज मेलाइटिस की, इसका जो रेंज है, इसको रेंज को अगर हम हैरिसन की बुक हम पढ़ा करते थे जब हम स्टूडेंट लाइफ में, तो उसमें ऐसा था कि उस टाइम पे जो रेंज बताया जाता था वो कहते थे कि 200 होना। 1979 में जो डायबिटीज के लिए जो रेंज बताया गया था उसमें, वो 200 का मानते थे, ठीक है। 200 अगर ब्लड शुगर होती है किसी भी टाइम पे अगर चेक करते हैं 200 के, तो उसको हम डायबिटीज का पेशेंट मानते थे कि उससे ज्यादा होगी तो वो डैमेज करता है। अच्छा, परंतु वो कुछ पता नहीं क्या कारण हुआ कि विदाउट, रैंडम, हाँ उसका 79 तक ये 79 से ये चल रहा था, ठीक है, क्योंकि हाँ तब तक तो ये आंकड़े नहीं पता थे कि हाँ कितनी मतलब डायबिटीज होती है, क्योंकि एनडीडी जो ग्रुप है नेशनल डायबिटीज का, जो उसका ग्रुप बना हुआ है, उसने हमारा उस ग्रुप ने ये उसका जो पैरामीटर्स बताए गए थे 200 तक को हम रेंज मानते थे। बाद में 1997 में आकर के वो जो रेंज को कम कर दिया गया। अब जैसे एक स्कूल है, स्कूल में टीचर जो है 33% वाले पास करते हैं, 33% वाले पास करने के बजाय अगर एक प्रिंसिपल कहे नहीं तो मैं तो 50% वाले तो ज्यादा फेल हो जाएंगे, तो बहुत फेल हो जाएंगे, ठीक अगर है, हम कह दें कि 80% वाले फेल करने हैं पास करने फिर हैं, तो उसके तो बाद सारे वो काफी सारे फेल हो जाएंगे। बिल्कुल तो ठीक। ये कुछ रेंज को डाउन करने के बाद, क्योंकि आज जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डिजीज मॉन्गरिंग का रैकेट चल रहा है। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल, देखो एक होती है मेडिकल इंडस्ट्री, एक होती है मेडिकल साइंस। ठीक है, मेडिकल साइंस कुछ और कहती है, मेडिकल इंडस्ट्री कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इन पैरामीटर्स को जो है थोड़ा डाउन करती जा रही है। तो ओके, जो हाँ रेंज देखते हैं 1997 में एक अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन बना हुआ है, जी, उसमें कुछ जो मेंबर्स हैं वो कौन है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जिनकी ओके, जैसे आप इंसुलिन बनाने वाले सिर्फ 3 कंपनियों को फायदा हो रहा है, इंसुलिन सारे वर्ल्ड में जा रही है। जो इस तरह से जो मतलब मॉडर्न मेडिसिन जो बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उन्होंने उसके पैरामीटर्स को डाउन कर दिया विदाउट एनी, बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं हुई कि भी लाखों रुपए खर्च किए, बहुत बड़े मतलब उनके कोई मतलब ऐसी रिसर्च की हो, रिसर्च तो इतनी ज्यादा, क्योंकि उनके एक बैठी हुई मीटिंग ने फैसला कर दिया कि हमारी सेल जो ज्यादा बढ़े, तो उसके पैरामीटर्स को डाउन कर दिया गया। आज जो है डायबिटीज का जो पैरामीटर 125 और उसके रेंज पे आ गया है ना, अब और कम करते 100 पे आ गया, अब 100 से और कम कर, ऐसे ही ब्लड प्रेशर के साथ हुआ है। ब्लड प्रेशर की भी जो है मतलब उसका रेंज जो हम किताब का 100+ एज हुआ करता था, 100+ एज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल था, परंतु तो आज जो है उसको भी डाउन करके पेशेंट्स की मतलब एक तरह का हुआ बनाया जा रहा है डिजीज को। डिजीजेज एक्चुअली इतनी है नहीं है ना, तो लाइफ स्टाइल डिजीज, क्योंकि पहले भी इसके पैरामीटर्स अगर हम डाउन करते जाएंगे तो नेचुरली वो फिर लंबे, ज्यादा दवाइयां देनी हाँ। पड़ेंगी। और इसके बारे में कुछ मेडिकल कंपनीज कुछ रिसर्च कर रही, मैं अभी भी बात हो रही थी हमारे पीसीएस के ऊपर, मेरे टॉक थी यहाँ पे, हाँ तो जी, वहां पे वो इस बात के ऊपर, इसकी डिजीज मॉन्गरिंग हो रही है। बट ओके, डिजीज मॉन्गरिंग क्या है, डिजीज को कंपनियां जो हवा बना देती है उसके, इससे कॉम्प्लिकेशन का ये हो जाएगा, आज डिजीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। हाँ, जैसे एडीएचडी की प्रॉब्लम को इतनी होती है, जो आजकल एडीएच बच्चों में देखते हैं हम, तो मतलब वो जो है वो उनको बच्चों के एक बिहेवियर है, जैसे हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, तो उसमें उसमें जो चेंजेस आने से ये प्रॉब्लम्स ज्यादा इसलिए हो रही हैं
कि डिजीजेस को प्रोड्यूस, जैसे अब कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लाइफ का एक अंडा जो है उसमें से अगर चिड़िया निकलती है या मुर्गी अंडे से, उसमें क्या चीज होती है जो मैक्सिमम है अंडे में, क्या होता है? कोलेस्ट्रोल होता है। तो कोलेस्ट्रोल लाइफ गिविंग फोर्स है, जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं लाइफ किसमें है, उसी कोलेस्ट्रोल में। तो आज जो है अल्जाइमर्स प्रॉब्लम और उसका देखो कितना बड़ा हुआ बना दिया कि एचडीएल है, एलडीएल है, जबकि वर्ड ही नहीं है उसमें। एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल का मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये तो एक व्हीकल है जिसमें कि जैसे मैं एक ऑफिसर है सपोज, वो गाड़ी में जा रहा है तो मर्सिडीज गाड़ी लेके जाता है तो उसको कहते हैं ये ऑफिसर बड़ा बड़ी हाई क्वालिटी का है ये। अच्छा। जैसे वो कभी मरुति लेके चले जाता है तो उसको कहते हैं ये जो है आज बड़ा हमारा, ये बड़ा लो स्टैंडर्ड का बंदा है। अच्छा। तो ऐसे ही हो रहा है कि एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक व्हीकल है जिसमें कोलेस्ट्रोल में जाना है, जो कि बहुत जरूरी है हमारे ब्रेन के लिए। आज में अल्जाइमर डिजीज हो रही है, पार्किंसंस की हो रही है, वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? एलडीएल कम करने से। एचडीएल को जब हम कम करते हैं तो हार्ट कहते हैं, एचडीएल इज वेरी गुड फॉर हार्ट, दिल के लिए कहते हैं, तो वो क्या है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो हर ऑर्गन को इसका कोलेस्ट्रोल मींस कोलेस्ट्रोल, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोलेस्ट्रोल बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसको बहुत ज्यादा लिमिट से लेडीज के लिए, जितने भी हमारे रिएक्शंस हो रहे हैं सेल्स में जो हार्मोन्स को बनाने में भी कोलेस्ट्रोल का रोल है, तो कोलेस्ट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया कि डिजीज, डिजीज एक्चुअली है नहीं, जितनी हमारे प्रोड्यूस ड्यू टू दी मेडिकल जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, डिजीज मॉन्गरिंग करते हैं, वो ऐसी ऐसा कर देते हैं, हुआ बना देते हैं कि हमारी दवाइयां ज्यादा से ज्यादा बिके। हाँ, तो जो डायबिटीज के कोलेस्ट्रॉल के पैरामीटर्स हैं उनको नीचे करते जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नंबर आ जाए उसमें लेबोरेटरी में, और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर जो है वो दवाइयां रिकमेंड करें। बिल्कुल। तो एक जो हमारे जो हो रहा है कि डिजीजेस को जो बीटा ब्लॉकर, ब्लॉकर वर्ड की किसी चीज को ब्लॉक कर रोक देना, ये रोकना, और ये जो सुप्रेसेंट ड्रग्स, जैसे आज कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इट इज ओनली हमारा सिग्नलिंग सिस्टम। आयुर्वेद में क्या बातें हैं, दो बातें बड़ी जबरदस्त की है आयुर्वेद ने। एक बात आयुर्वेद में है वेगावरोध, जब हम किसी के नेचुरल वेग, सपोज आपको छींक आ रही है और छींक के वेग को रोक दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक भयंकर बीमारी के शिकार, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया गया है कि सप्रेशन ऑफ दी नेचुरल वेगास, नेचुरल जो हमारी अर्जीज हैं उसको अगर हम सप्रेस कर दिया तो वी आर इनवाइटिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। यूरिन आ रहा है, यूरिन के वेग को मेरे को संग लगता है, मैं अब नहीं करूंगा, है ना, तो वो संग करने से क्या होगा, यूरिन के वेग, प्यास के वेग को रोकना, इवन काम के वेग को रोकना भी आयुर्वेद मना करता है। चक्कर ही था ना, कुछ खुली जगह चाहिए, बहुत बढ़िया बनानी चाहिए, नहीं बनी हुई नहीं, बन जाएगी, कंटिन्यू चलो चलिए।